तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को कहा है कि त्रिपुरा में एक स्थानीय नेता के आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा द्वारा प्रशय प्राप्त गुंडों के एक समूह द्वारा हमला करने से उसके 3 कार्यकर्ता घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि उसकी कोई सदस्य ऐसी किसी घटना में शामिल नहीं था। पुलिस का कहना है कि दोपहर में बड़हर घाट में अज्ञात उपद्रवियों और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद 2 लोग घायल हो गए। आपको बता दें, घायल लोगों को SSKM के ट्रामा केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद शांतनु सेन त्रिपुरा में हैं और उनका दावा है कि यह हमला भगवा दल ने करवाया है, क्योंकि उसे त्रिपुरा में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों में हार का डर है। दबा पीता राजे आस्ते आस्ते अपना बॉडी वेट लेके आराम से आराम वही तो। तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को कहा है कि त्रिपुरा में एक स्थानीय नेता के आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा द्वारा प्रशय प्राप्त गुंडों के एक समूह द्वारा हमला करने से उसके 3 कार्यकर्ता घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि उसकी कोई सदस्य ऐसी किसी घटना में शामिल नहीं था। पुलिस का कहना है कि दोपहर में बड़हर घाट में अज्ञात उपद्रवियों और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद 2 लोग घायल हो गए। आपको बता दें, घायल लोगों को SSKM के ट्रामा केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद शांतनु सेन त्रिपुरा में हैं और उनका दावा है कि यह हमला भगवा दल ने करवाया है, क्योंकि उसे त्रिपुरा में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों में हार का डर है। दबा पीता राजे आस्ते आस्ते अपना बॉडी वेट लेके आराम से आराम वही तो।